सो हे गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो जो है 15 दिन पहले की है, क्योंकि बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था इसलिए मैं ये वीडियो डाल नहीं पाई थी। मतलब सारा डेटा वगैरह, सारे वीडियोस वगैरह सब इसमें थी ना, तो इस वजह से वो ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रही थी, मेरा मोबाइल बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। तो अभी ये बना है तो इसलिए मैं अब इसको वीडियो को मैंने एडिट किया है और अब मैं इसको वीडियो को डालूंगी। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये प्रीशु ने मार दिया मुझे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो है शाम का टाइम है, आज मैंने अभी शाम से जो है व्लॉग शुरू किया। समझ में नहीं आ रहा, लाइट दरी से अच्छी आ रही है। तो शाम का टाइम हो रहा है, अभी 5:30 बज रहा है। हाँ, तो 5:30 बजे मैंने व्लॉग शुरू किया है, क्योंकि अभी आज व्लॉग में कुछ स्पेशल है। वो क्या स्पेशल है आगे व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। ये आ गई है प्रीशु, आ गई है प्रीशु, बैठ गई गोदी में, तुरंत आके चढ़ के बैठ जाती है। भाई मैंने व्लॉग बना तो लेती हूँ लेकिन एडिट नहीं कर पाती इन लोगों की वजह से। जैसे मोबाइल लेकर के बैठे उन लोग कभी मिस्टी छीनने लगती है, कभी प्रीशु छीनने लगती है। अभी मैंने जो ठेकुए की रेसिपी वाला व्लॉग बनाया था वो मैंने अभी एडिट नहीं किया है, और जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो वो डेफिनेटली चला जाएगा। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर, ठीक है क्या? वो व्लॉग मैं एडिट करूँगी। मैंने सोचा था मैं एडिट कर लूँगी यार, लेकिन ये लड़की ने एडिट करने नहीं दिया। क्या बी? ए बी सी डी सुनाओ। ए बी सी वन टू जॉनी जॉनी ईटिंग सुगर टेलिंग लाइज ओपन योर माउथ। बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं अभी आपको। थोड़ी सी धुंध होनी शुरू हो गई है और अभी दिया जलाने का टाइम हो गया। अभी मैंने दिया नहीं जलाया, तो अभी चलते हैं दिया जलाते। ये देखिए बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, रुक जा बेटा। ये देखिए धुंध पड़नी शुरू हो गई है बाहर, और इनको देख लीजिए ये रो रही है। कहाँ चलना है ये बताओ। ये चलते हैं, पहले जो है भगवान जी की दिया जला लेते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया लक्ष्मी जी का मंत्र वगैरह, तो अब चलते हैं फटाफट जो है दिया जला लेते हैं। हाय चलिए एंजॉय करते हैं अपनी लेमन टी को। सब्जियां आ चुकी हैं, सब्जी वगैरह आ चुकी है, तो चलिए अब करते हैं जल्दी से खाने की तैयारी। दाल मैंने इधर चढ़ा दी है, अब फटाफट काटूंगी सब्जी, उसके बाद फिर बनाऊंगी खाना। सो गाइस, यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, दाल का तड़का तैयार हो गया है, साग बन चुका है, खाना ऑलमोस्ट डन है। ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि पिछला व्लॉग मैं पूरा शूट नहीं कर पाई थी, इतनी जल्दी जल्दी हो गया था सब कुछ, रात में सब लोग लेट में आए थे। तो गाइस सरप्राइज़ यही था कि मेरे सासू माँ और ससुर जी आने वाले थे, जो मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, जो मुझे भी नहीं पता था, बाद में मुझे पता चला था। और दूसरा सरप्राइज ये था जिसका मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, किसी को भी नहीं पता था, ये सडन प्लान बना था। तो ये था, हम लोग वहाँ से फिर जा रहे थे हरिद्वार के लिए, निकल गए थे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं प्रीशु? जाले हरिद्वार। सो गाइज, यहाँ पे अचानक प्लान बना था, जो कि हम लोग नाश्ता पानी खाना पानी खा के निकले थे, तो जो जैसे था मतलब वो वैसे ही चला आया था। सुबह तो जो नहाए धोए थे, जो सब तैयार हुए थे, बस वही था। बाकी मैंने तो अपना फेस वॉश भी नहीं किया था, आने से पहले लोग तैयार होते ना, तो वो सब कुछ भी नहीं था। जो जूड़ा घर पर बना था वही जूड़ा बना हुआ ऐसे आ गया था, मैंने सिर्फ अपनी ड्रेस चेंज की थी। देखो शीट चेंज हो गई सबकी, दादी का फेस कवर हो जा रहा है बार बार। क्या खा रही हो मिस्टी? इधर देखो, कहाँ जा रहे हम लोग? हरिद्वार। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। वो देखो फ्रिश हो गई चाचू के पास।
और अब हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। मतलब 2 बजे के करीब हम लोग निकले थे, 2-2.5 बजे के करीब निकले थे, और पहुंचते पहुंचते इतना टाइम लग गया था यहाँ पे। सबसे ज़्यादा टाइम तो दिल्ली में घूमते घूमते लग गया था। तुम भी खा लियो, विशु मैं भी जाऊँ, तुम भी खा लो। और ये पहुंच गए हम लोग इंडिया गेट। जिन जिन्होंने नहीं देखा है भाई, वो ऐसे ही देख सकते हैं। मैं भी यहाँ पे रहती हूँ, लेकिन मैं भी आज तक इंडिया गेट नहीं गई। मैंने भी ऐसे दूर दूर से ही देखा है। और यहाँ पे भीड़ देखो भाई, सब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, गजब की भीड़ होती है। और ये देखिए ये टनल, जो कि मैंने शूट नहीं कर रहा था, मम्मी ने बोला कि इसको भी शूट कर लो ना, तो उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी। तो ये आधा तो निकल चुका था, लेकिन मम्मी ने बोला था रिकॉर्ड करने के लिए, तो मेरे भी दिमाग में आया कि हाँ यार ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं भी इस टनल में पहली बार ही आई थी, मुझे भी पहली बार ही पता चला था कि ऐसे भी कोई टनल दिल्ली में है। तो ये प्रगति मैदान के पास है, और ये बहुत सुंदर सा लगता है। मतलब देखो कितना सुंदर ये वर्क हो रखा है यहाँ पे, पूरा एकदम वुड वर्क आई थिंक लग रहा है पूरा। और बहुत लंबे में है, मतलब कुछ दूर तो वन वे का रास्ता था, और कुछ दूर आगे जाने के बाद ये 2 वे का भी दिख रहा था, आने जाने दोनों का रास्ता दिख रहा था। और जब हम लोग बाहर निकल रहे थे, सामने से भी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने से बन नहीं रहा था। और जब हम लोग बाहर निकले थे, ये बाहर निकलने का व्यू, यहाँ पे पेंट हो रखा, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ, क्योंकि अगर मैं यही डालती वीडियो ऐसे ही इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती। और यहाँ पे हम लोग रुक गए थे CNG भरवाने के लिए। हम लोग बैठते हैं वहाँ पे सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे CNG बनाने के लिए। गाड़ी खड़ी है सारी, हम लोग यहाँ पे आए हैं रेस्ट करने के लिए। ये तो फल गया। और अब यहाँ पे दिल्ली को हम लोग क्रॉस करते हुए, भाई बहुत दूर था, मतलब 6-7 घंटे तो हम लोग को लग गए थे हरिद्वार पहुँचने में। और यहाँ पे प्रिशु अपना क्रीम रोल एंजॉय करते हुए, जहाँ CNG भरा रही थी ना, वहाँ से हम लोगों ने क्रीम रोल लिया था। तो इसको दिया था थोड़ा सा, कि थोड़ा सा खा ले भाई साहब, इसको थोड़ा नहीं लेना था, उसको पूरा लेना था। और ये लेके बैठी हुई थी, खा भी नहीं रही थी, लेके बैठी हुई थी बस। यहाँ पे देखा मैंने बाद में कि इसने उल्टा पकड़ा, उल्टा खाना शुरू किया था। चलना है, हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय वगैरह पीने के लिए। अभी सब लोग उतर रहे हैं, हम लोग पहले ही उतर गए, मैं और प्रिशा पहले ही उतर गए। पीछे से मम्मी आ रही हैं। हाँ चाय पीना है, चाय पीना है, चाय पीना है। आजा, मम्मी आजा, को आजा, 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 हमारे पास आजा, आजा, आजा। जाओगी जाओगी जाओ यहाँ पे। ये थोड़ा सा वैसा लुक नहीं आ रहा है हाईवे किंग वाला, जो हम लोग गए थे जब जयपुर जा रहे थे, वापस आ रहे थे जयपुर से, तो रेस्टोरेंट पे जा रुके थे हाईवे किंग का, वैसे ही लुक आ रहा है ना, पूरा सुंदर लग रहा है। स्टारबक्स कॉफी, KFC, हेल्दी है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टाइल मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं घर से ऐसे ही उठ के चली आई थी ना, इसीलिए जो है अच्छी आ नहीं रही थी। और पीछे से वो भी लगी हुई थी कि उसकी भी आ जाएगी। वैसे ये वॉशरूम जो है बड़ा सुंदर लग रहा था। बैठे चिल्लाई क्या है? सो गाइस, चाय पानी पीने के बाद हम लोग निकल चुके थे हरिद्वार के लिए, क्योंकि रास्ता अभी भी बहुत ज़्यादा लंबा था। मेरे ख्याल से आधा ही कवर हुआ था, और अंधेरा भी होता जा रहा था, क्योंकि ठंडक का टाइम है तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो हम लोग लगे हुए थे कि और कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी मिल जा रही थी, जैसे कि यहाँ पर मिल गई है, तो हम लोग कहीं ना कहीं फंस ही जा रहे हैं। नींद आ रही है क्या? देखो बाबू सो गई है। ये रहा सेकेंड स्टॉपेज, इधर मम्मी बैठी हैं, पापा खड़े हैं, और दोनों भाई पता नहीं कहाँ गए। और यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ पे प्रिशु सो गई है,
इस वजह से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। वो लोग चाय पीने गए, मुझे तो चाय पीना नहीं होता इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। यहाँ पे बेचारा सामान भरा पड़ा है, यहाँ पे पापा को हम लोगों ने बैठा दिया था। ये देखिए गाइस मुझे क्या दिखा है, ये दिखा नटखट बहुत दिनों के बाद। हम लोग को बचपन में बहुत हम लोग को मिलता था लेकिन अब देखने को बहुत कम मिलता है। और ये टेस्टी भी बहुत लगता है, मतलब कम स्पाइसी होता है लेकिन टेस्टी बहुत होता है, मस्त लगता है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच ही गए हरिद्वार। इससे पहले हम लोग आए थे कुंभ में, मतलब 2 साल पहले जब कुंभ यहाँ पे लगा हुआ था तो उस टाइम पे आए थे। और अब इस बार आ रहे हैं जो कि कल है कार्तिक पूर्णिमा। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल, तो चलिए अब हम लोग करते हैं जाकर करेंगे रेस्ट, थोड़ा खाना पीना जो खाना होगा वो सब खाएंगे और करेंगे रेस्ट। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।